अगर इन्वर्टर की बात करें तो इन्वर्टर में दो तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर टेक्नोलॉजी है। तीसरी टेक्नोलॉजी है ऑन ग्रिड। तो पहली टेक्नोलॉजी है ऑफ ग्रिड, फिर हाइब्रिड और तीसरी है ऑन ग्रिड। तो हम लोग ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड में कंप्लीट रेंज हमारे पास है। अगर आपको आपको 12 वोल्ट का इन्वर्टर चाहिए, 12 वोल्ट आपको 24 वोल्ट 48 वोल्ट और थ्री फेज आपको इन्वर्टर तक चाहिए, मतलब थ्री फेज तक आपको इन्वर्टर चाहिए, तो उसकी कंप्लीट रेंज आपको हमारे यहाँ पे मिल जाएगी। कंप्लीट रेंज में आपको ऑफ ग्रिड का कंप्लीट रेंज हमारे पास है और आप हाइब्रिड की भी हमारे पास में कंप्लीट रेंज है, और वो भी हमारे पास में लिथियम बैटरी के साथ। आप चाहते हैं कि लिथियम बैटरी के साथ में आपको चाहिए तो लिथियम बैटरी के साथ आपको मिल जाएगी। आपको चाहिए के साथ मेरे को तो लेड एसिड बैटरी के साथ में जाना है तो लेड एसिड बैटरी के साथ भी आपको ये रेंज मिल जाएगी। ये सारे इन्वर्टर जो आप देख रहे हैं ये आप देखिए 5 KVA 48 वोल्ट का स्टार्क सीरीज का लिथियम कंपेटेबल है। आप चाहें इस पर लेड एसिड लगा सकते हैं, चाहे आप इस पर लिथियम बैटरी लगा सकते हैं। ये ऑफ ग्रिड मॉडल है और ये मॉडल से आप 4 किलोवाट का पैनल, 4 किलोवाट का लोड लिफ्ट कर सकते हैं और 5 किलोवाट का पैनल इसके ऊपर आप लगा सकते हैं। इसके अलावा 7.5 KVA ये ऑफ ग्रिड है। इसकी VOC है 220 वोल्ट जो है। आप मतलब कोई भी इंडिया के जितने भी लेटेस्ट पैनल है, कोई भी 4 पैनल आप इसके ऊपर सीरीज करके लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट की बात करें 7.5 KVA 96 वोल्ट की, तो ये ऑफ ग्रिड मॉडल है हमारा। और ऑफ ग्रिड मॉडल जिन लोगों के घर में 2 AC चलाने हैं, जिन लोगों को या उनको 3 HP का पंप चलाना है, तो जो हाई लोड है जिनके पास में, या ट्रेडिशनल AC हैं, पुराने टाइम के AC हैं, तो उनके लिए ये सॉल्यूशन है। इस पर 2 बैटरी लगेंगी लिथियम की, चाहे आप 8 बैटरी आप लेड एसिड की लगा सकते हैं। और ये जो इन्वर्टर है इससे आप 6 किलोवाट तक का भी लोड लिफ्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 6 किलोवाट का लोड लिफ्ट कर सकते हैं। पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मैक्सिमम 5500 वाट से ज़्यादा का लोड आप इस पर लिफ्ट ना करें। इसके अलावा ये हाइब्रिड की रेंज है 5 KVA। आप ये हाइब्रिड देख रहे हैं, इसमें आपको पूरा ग्राफिकल डिस्प्ले आपको मिल जाता है। आप ग्रिड एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसमें, अगर आपको नेट मीटरिंग आपने कराई हुई है तो आप इससे ग्रिड एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। लिथियम बैटरी को सपोर्ट करता है, लेड एसिड बैटरी भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये सारी जो रेंज है ये नेक्सस के पास आपको अवेलेबल मिलेगी, लिथियम की कंप्लीट रेंज। इसकी स्पेसिफिकेशन और इसकी सेम है ऑफ ग्रिड वाली? स्पेसिफिकेशन में VOC दोनों की सेम है, लोड लिफ्टिंग पावर दोनों की सेम है, पैनल आप सेम लगा सकते हैं। फीचर जो है वो अलग है, क्योंकि इसमें आप ग्रिड एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये ऑफ ग्रिड, नॉर्मल ऑफ ग्रिड मॉडल है, इसके अंदर आप ग्रिड एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ये इंडिया का पहला इन्वर्टर है 144 वोल्ट में। आपने 120 वोल्ट के इन्वर्टर आजकल बहुत देखे होंगे, पर 144 वोल्ट में आपने इन्वर्टर कोई नहीं देखा होगा। तो ये 10 KVA का 144 वोल्ट का नेक्सस का हाइब्रिड मॉडल है। इसमें आपको ऑफ ग्रिड भी मिल जाएगा और हाइब्रिड भी मिल जाएगा, दोनों ही आपको मिल जाएंगे। ये 3 बैटरी ABC ये इसी इन्वर्टर की बैटरी है। ये 3 बैटरी सीरीज करके आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। जिन लोगों के पेट्रोल पंप्स हैं, जिन लोगों को बड़े लोड चलाने हैं, 2-3 AC चलाने हैं घर में, या कोई इंडस्ट्रियल लोड है उनका सिंगल फेज का, तो उनके लिए ये वाला जो मॉडल है ये स्कूल के लिए, मतलब जहाँ पे भी करीब 7 किलोवाट तक के लोड हैं, तो वहाँ के लिए ये बेस्ट मॉडल है। और पहली बार इंडिया में 144 वोल्ट में हम लोगों ने इसको स्पेशल डिज़ाइन किया है लिथियम बैटरी के हिसाब से। अब इसकी बात करें, ये नेक्सस का 1 KVA 48 वोल्ट ये लिथियम कंपट जो है इन्वर्टर है हमारा 1 KVA का। जिन लोगों के थोड़ा सा लोड ज़्यादा नहीं है घर के लिए, उनको इन्वर्टर चाहिए, तो ये वाला इन्वर्टर वो ले सकते हैं। लिथियम की छोटी बैटरी, 24 AH की बैटरी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। इसकी इन्वर्टर की खासियत ये है कि मात्र 2 घंटे में बैटरी फुली चार्ज हो जाएगी और पूरी रात आप इस पर पंखा चला सकते हैं। लिथियम वाली मात्र 2 घंटे में बैटरी चार्ज। इसके अलावा ये एक स्पेशल मॉडल अभी नेक्सस ने निकाला है 2 KVA का। इस मॉडल में, ये रिसेंट मॉडल है नेक्सस का, इसके अंदर AVR फीचर हमने डाला है कि माना आपके यहाँ पे 150 वोल्टेज आ रहे हैं तो 150 वोल्टेज को इन्हेंस करेगा, 30% तक ये वोल्टेज को बढ़ा सकता है और करीब आपके 200 वोल्ट कर देगा। तो जिन घरों में भी इस तरह की जरूरत है कि जहाँ वोल्टेज के फ्लक्चुएशंस होते हैं, वहाँ के लिए एक बहुत बेस्ट इन्वर्टर ये होने वाला है। 2 बैटरी हैं, 2 बैटरी को सपोर्ट करता है, 24 वोल्ट का इन्वर्टर है, तो आप चाहें तो 2 लेड एसिड बैटरी इसके ऊपर लगा सकते हैं, चाहे 24 वोल्ट की लिथियम बैटरी इसके ऊपर लगा सकते हैं। अभी जिन लोगों के इंडस्ट्रियल लोड हैं, जिन लोगों के पास में इंडस्ट्री उन लोगों को चलानी है, तो उनके लिए ये कंप्लीट सॉल्यूशन नेक्सस बनाती है। ये 20 KVA का 3 फेज हाइब्रिड इन्वर्टर है। तो इसमें आपको 30 KVA 40 KVA 50 KVA 100 KVA तक हम कंप्लीट रेंज इसकी बनाते हैं। और इसमें अगर आप बोलेंगे कि इनबिल्ट बैटरी डाल के देनी है तो इनबिल्ट बैटरी भी डाल के दे देंगे आपको। और इसके अंदर आप कोई और एडिशनल आप ये चाहते हैं कि कोई हम आपको स्पेशल कोई फीचर डाल के दें, तो स्पेशल फीचर भी हम इसके ऊपर डाल के, इस इन्वर्टर के अंदर हम कोई स्पेशल फीचर भी आपको डाल के दे सकते हैं। तो ये कंप्लीट रेंज हम लोग 3 फेज में भी बनाते हैं, हाइब्रिड भी बनाते हैं और ऑफ ग्रिड की भी कंप्लीट रेंज बनाते हैं।